नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा, आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों द्वारा मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान झंडारोहण के बाद शिकागो के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में मई दिवस मनाया गया। इस दौरान शिकागो के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जंक्शन के लाल चौक स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में सीटू के बैनर तले मई दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कार्यालय पर झंडारोहण कर शहीदों को नमन किया गया। इस मौके प्रवक्ताओं ने कहा कि पूरी दुनिया में पहली बार मजदूरों ने अपनी कुर्बानियों की बदौलत मजदूरों के अधिकार, संवैतनिक अवकाश एवं 8 घंटे के काम के अधिकार को प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि शिकागो के शहीदों ने नया इतिहास कायम किया। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया के मजदूर अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वक्ताओं ने मांग की कि मजदूरों से 6 घंटे ही काम लिया जाए और 4 शिफ्टों में काम शुरू किया जाए ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इस मौके पर शेर सिंह साकिया, इकबाल खान, मुकद्दर अली, अमित कुमार, आमिर खान, शिव कुमार, वली शेर, गुरनायब सिंह, रिशपाल सिंह सहित अन्य सीटू कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी प्रकार टाउन स्थित जनशक्ति भवन में श्रमिकों द्वारा झंडारोहण किया गया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के चलते मजदूरों की हालत खस्ता हो गई है। उन्होंने कहा कि मजदूरों से 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, जिससे मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इस मौके पर मलकीत सिंह, बहादुर सिंह चौहान, जगदीश यादव, राकेश बजाज, अनिल मोहन मिश्रा, शोपत राम, जितेंद्र कुमार, बिंदेश्वर दास सहित अन्य श्रमिक मौजूद थे। इसी प्रकार जंक्शन में भवन मटेरियल लोड अनलोड मजदूर यूनियन द्वारा श्रमिक दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यालय पर झंडारोहण कर मई दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों ने वर्तमान में जो अधिकार प्राप्त किए हैं उसके पीछे कई श्रमिकों की कुर्बानियां हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर श्रम कानून की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, मगर सरकार पूंजीपतियों का सहयोग करने में लगी है। इस मौके पर गुरनायब सिंह, रिछपाल सिंह, शेर सिंह साकिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अधिकार की रक्षा में लड़ने के लिए एकजुट है। जो पहले से भी हमले हो रहे हैं वो बातें भी हो रहे हैं। ये लड़ाई बड़ी मजबूती से हिंदुस्तान की आम जनता लड़ रही है, और उन परिस्थितियों में जहां बड़ी संख्या में हमारे देश में जो 80% मजदूर है, जो छोटा किसान है, जो हैंड टू माउथ है, जो रोज कमाता है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उसके सामने बहुत विकट परिस्थिति है, जिसके सामने रोटी रोजी की हालात है, बड़े ही बहुत जगह भुखमरी का आलम आज पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो शिकागो शहर से जाबर सरकार ने शहीद करे उन्हां दी याद दे विच जो झंडा रौण किया उहदे वास्ते अज दे दिन जो मेहनत कसबर्ग है वह सप्त लैंदा है कि पूरे देश दे अंदर जो कमेरा वर्ग है उहनूं लामबंद करके उहदे संघर्षां दे बारे जागरूक करके ये लंबी लड़ाई है। जब तक पूंजीवाद रहेगा ये कमेरे वर्ग का संघर्ष जारी रहेगा। अज के दिन सप्त ग्रहण करता मजदूर कि आने वाले दिनों के अंदर ये लड़ाई साड़ी जारी रहेगी। चाहे जो महामारी है अज पूरी दुनिया के अंदर उसनों भी ध्यान च रखते हुए अपने संघर्ष को जारी रखेगा। आने वाले समय के अंदर ये संघर्ष को तेज कराया जाऊगा। मई दिवस के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम मई दिवस को मना रहे हैं राष्ट्र कमेटी के आह्वान पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 1857 में मजदूरों ने अपने हक और अधिकार के लिए लेकर इसको संघर्ष किया और मजदूरों के कुछ नियम कायदे जो बनवाए थे उनको लेकर आज उस शहादत को हम नमन करते हुए उसको मानते हुए आज पूरे हमारे जो हनुमानगढ़ जिले में जितने हमारे CI2 के ऑफिस थे या जो CI2 के जनसंख्या से जुड़े हुए लोग थे वो मना रहे हैं। इसके साथ ही हमने एक अपील की है कि जैसे हम पहले बड़ी धूमधाम के साथ बड़ी रैली निकालते थे, बड़ी सभा करते थे, इस कोरोना महामारी के चलते
उसको हमने रिस्पॉन्ड किया है और ये अपील की है तमाम मजदूरों से कि अपने अपने घरों में ही झंडा रोहण करें और इसको मनाएं। और आज यहाँ हमारे कुछ मुख्य साथी जो कमेटियों के थे उन्होंने यहाँ झंडा रोहण किया है। इसी के साथ एक आह्वान भी किया है कि जो हक और हकूक हमने उस वक्त 1857 में हमारे मजदूरों ने हमारे पूर्वजों ने अपने शहादत देकर जो हासिल किए थे, आज उन तमाम हकों को सरकारों द्वारा जो पूंजीवादी सरकारें वो कुचल रही हैं। अभी हाल ही में लॉकडाउन की आड़ में मोदी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो हमारे 8 घंटे का टाइम था उसको 12 घंटे कर रही है, 2 शिफ्टों में काम करवाने की जो उन्होंने कानून बना रहे हैं। हम उसका इस मई दिवस के ऊपर उसकी शपथ लेते हैं कि इस कानून के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा इसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में हम एक आंदोलन की रूपरेखा खड़ी करेंगे। कोरोना के डर से इंसान के पैर जब घर में रुके तो वह परिवार के और नजदीक आ गया। हर वक्त घर पर रहने के कारण जहां घर के कामकाज, परिवार के सुख दुख और रिश्तों पर चर्चाएं हो रही हैं, वहीं अधिकांश पुरुष किचन में भी महिलाओं का हाथ बटा रहे हैं। कोरोना महामारी से विश्व भर में इंसानियत पर खतरा मंडराने लगा है। संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और लोग घरों में बंद हैं। लॉकडाउन की वजह से काम धंधे ठप हैं और अर्थव्यवस्था को भी झटका लगना लगभग निश्चित है। इसके बावजूद देश का आम आदमी इसकी शिकायत ज्यादा नहीं कर रहा। इसके बावजूद देश का नागरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए ज्यादा शिकायत नहीं कर रहा। संकट से निपटने की भारतीय परंपरा अब सबको रास्ता दिखा रही है। कोरोना के डर से इंसान के पैर घर पर रुके तो वह परिवार के और ज्यादा नजदीक आ गया। परिवारों के सदस्यों में दूरियां कम हुई तो इस महामारी से लड़ने का हौसला भी मिला। लॉकडाउन के दौरान जरूरी कामकाज वाले लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और बाकी लोग घरों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हर वक्त घर पर रहने के कारण घर के कामकाज, परिवार के सुख दुख और रिश्तों पर चर्चाएं हो रही हैं। कोरोना के डर के बीच ऐसा माहौल इंसान में एक सकारात्मकता पैदा कर रहा है। खासकर पारिवारिक रिश्तों में एक दूसरे को समय न देने की शिकायतें अब दूर होने लगी हैं। भागम भाग के इस दौर में परिवार के सदस्यों का एक साथ समय व्यतीत करना इंसान के सकारात्मकता की ओर बढ़ने का मार्ग बन गया है। किसी भी संकट को सकारात्मक ऊर्जा के साथ झेला जा सकता है और इस पर जीत भी पाई जा सकती है। यह सोचते हुए अब तमाम लोग एकजुट होकर इस संकट से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संकट के चलते इंसान प्रकृति के भी नजदीक आया है और उद्योग धंधे बंद होने व वाहनों की आवाजाही रुकने के कारण प्रदूषण का स्तर भी घटा है। प्रकृति अपने पूरे रंग में है और यह आने वाले समय के लिए एक अच्छा संकेत भी है। देखा जाए तो एक डर ने पारिवारिक रिश्तों के बीच कुछ ही दिनों में सारे फासले मिटा दिए हैं। तमाम लोग अपने घरों में अपने बीवी बच्चों, माता पिता तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ सकारात्मक चर्चाएं, साहित्यिक अध्ययन तथा कुकिंग के जरिए समय व्यतीत कर रहे हैं। ये जो लॉकडाउन चल रहा है सही माने में तो ये पता ही नहीं चल रहा कब से शुरू हुआ, क्योंकि हम अपने आप को इतना बिजी कर चुके हैं। कभी हम लूडो खेलते हैं, कभी ताश खेलते हैं, कभी रसोई के अंदर हाफ ही बटाते हैं और शाम को मौका लगता है तो पतंग भी उड़ाते हैं और कभी कभी हमारे संगीत का भी सहारा लेकर के हम कीर्तन करते हैं, गजलें गाते हैं या नगमे गाते हैं। और तो और हम कोरोना से संबंधित बचाव के लिए इस वक्त तक 4-5 गीत लिख चुके हैं जो कि हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रचलित भी है। लॉकडाउन शुरू तब से पता ही चलता कैसे काम करते हैं, बैठे बैठे टाइम पास हो रहता है। कभी बच्चों के साथ ताश खेल लेते हैं, कभी लूडो खेल लेते हैं, कभी बड़े बुजुर्गों की सेवा कर लेते हैं और ऐसे पता ही चलता पूरा दिन कैसे बीतता है। कभी रेसिपी बना लेते हैं, कभी दो दिन काम कर लिया, कभी बस ऐसे पता ही चलता लॉकडाउन कैसे टाइम पास हो जाता है। खेल ली, लूडो खेल ली, बच्चों के साथ ऐसे पकड़ पकड़ाई खेल ली, छोटे मोटे और गेम वगैरह होते हैं जो हम खेल लेते हैं, उसको कुछ थोड़े बहुत रामायण देख लिया, बच्चों के साथ संगीत गाना बजाना कर लिया, डांस वगैरह कर लिया, बस ये सब कुछ चलता रहता कर लेते हैं पूरा दिन में, ऐसे टाइम भी जाता पता नहीं चलता। लॉकडाउन लगे टाइम बहुत बढ़िया पास हो रहा है, अपने बच्चों में हंसते खेलते हैं सारा दिन और दिन में रामायण आ जाती है और बहुत बढ़िया टाइम पास हो रहा है। ऐसे अपने घर के पुराने आते प्रोग्राम वो देख लेते हैं, घरवाली को हेल्प करा देते हैं, रसोई का काम भी करवाते, कभी किया नहीं कभी हम करवा देते हैं। हाँ बस ये महसूस होता है जैसे पुराने टाइम में इतनी वो नहीं थी तेजी, बड़े आराम से जीवन यापन हो रहा था, उसी तरह से बड़े आराम से बड़ा संयम से काम चल रहा है। देखो जी लॉकडाउन की सही बात तो ये है कि इसको कम से कम 15-20 दिन और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो है ना मतलब जान है तो जान है, ये मोदी जी का नारा सही है
भी जान है तो बिजनेस तो फिर भी हो जाएंगे, काम धंधे फिर भी चलते रहेंगे, जान बचाने लोगों की बहुत जरूरी है। अभी संभव है अगर 15-20 दिन लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। घर पे अच्छा टाइम पास कर रहे हैं, जब से 22 तारीख से लॉकडाउन लगा है बढ़िया टाइम पास हो रहा है, मिलके काम कर लेते हैं, मिलके बाद में हम खेल लेते हैं। लगता है कि अभी तक 10-15 दिन लॉकडाउन लगा रहना चाहिए, क्योंकि इससे सुरक्षा के लिए अपनी लेते हैं हम, अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं वो देख लेते हैं, कैरम खेल लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं, बच्चों के साथ अच्छा टाइम पास हो रहा है हमारा। और हम लोग लॉकडाउन का पूरा आनंद उठा रहे हैं, घर पर हम तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, रोज नई नई डिशेज की फरमाइश आती है और पूरी की जाती है, और तरह तरह के खेल हम खेल रहे हैं, कभी लूडो खेल रहे हैं, कभी चेस खेल रहे हैं, कभी हम कैरम खेल रहे हैं, और बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन जो है मेरे को लगता है कि थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है मार्केट में, और सुरक्षा की दृष्टि से सभी को घर में रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। एक महीने अब और मैं तो पोता पोतिया है सागे कैरम बोर्ड खेल के देता है, खेल लिया कभी लूडो खेल लिया, टाइम पास करा भाई लग जाए भाई, बाहर घूमन घूम जाओ भाई, टावर सागे लूडो खेल लिया, कैरम बोर्ड खेल लिया, ताश खेल लिया, ये लग जो रहे टावर सागे लूडो चाहिए लूडो चाहिए भाई, गेम खेलते रहते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, स्कूल का होमवर्क कर लेते हैं, ऑनलाइन क्लास चलती है। एक महीना हो गया लॉकडाउन हुए, 21 मार्च से लगा था ये, और एक महीना हो चुका है, मैं अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त समय व्यतीत कर रही हूँ, कभी किचन में कभी घर के काम में मेरे पति भी हेल्प करते हैं, और बच्चों के साथ खेलने में कभी किचन में कभी घर की डस्टिंग वगैरह में टाइम पास हो जाता है, पता नहीं चलता। सुरक्षा की दृष्टि से तो ये बढ़ना चाहिए, और अगर ये नहीं बढ़ा तो बीमारी और फैलने की संभावना है। बहुत ही शुरुआत के अंदर 5-4 दिन तो ऐसा लगा कि समय कैसे पास होगा, लेकिन उसके बाद के अंदर बच्चों के साथ विभिन्न तरह के गेम खेलते हैं, और घर के अंदर डस्टिंग करनी, घर में हेल्प करवानी, और सुबह शाम एक घंटा ऊपर बैडमिंटन खेलते हैं, और बच्चों के साथ गेम खेलते हैं तो समय का पता ही लगता है। मैं बिल्कुल चाय दोनों टाइम में ही बना करके देता हूँ, कभी कभी खाने में भी हेल्प करवा देता हूँ, तो थोड़ा बहुत किचन का काम कर लेते हैं। शुक्रवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 58-59 में रहने वाले परिवारों की महिलाएं एकत्रित होकर जिला कलेक्टर के समक्ष पहुंची और राशन न मिलने के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। एक माह से भी अधिक समय से जारी लॉकडाउन के बीच दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों तक राशन नहीं पहुंचने के कारण अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। जिला मुख्यालय पर जंक्शन व टाउन में आए दिन कहीं न कहीं राशन को लेकर प्रदर्शन करने की खबरें मिल रही हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 58-59 में रहने वाले परिवारों के लोगों ने एकत्रित होकर जिला कलेक्टर के समक्ष पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि उन्हें राशन डिपो पर गेहूं तो मिल रही है, लेकिन सिर्फ गेहूं से ही गुजारा नहीं चल रहा। उन्होंने कहा कि परिवार के लिए अन्य सामान की भी अत्यधिक जरूरत है, घर में साबुन तेल चीनी सहित अन्य सामग्री भी जरूरी चाहिए, लेकिन वे सरकार द्वारा नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण वे कहीं भी काम करने नहीं जा सकते, घरों से निकलने पर पाबंदी है, काम करने की बात तो दूर, उन्हें बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा, इससे उनके परिवारों के भूखों मरणों की नौबत आ रही है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से समस्या का समाधान करते हुए उन्हें राशन सामग्री उपलब्ध करवाने की मांग की। नंबर वार्ड से हम आए हैं, सिर्फ ये कनक कनक दे रहे हैं, तो बताओ कनक से हम क्या कर लेंगे, साग सब्जी नमक तेल साबुन सब कुछ घर में चाहिए, आज करें सैनिटाइजर से हाथ धो, हमारे घर में तो साबुन ही नहीं है, सैनिटाइजर क्या हम कहाँ से लाएंगे, घर में खाने के जो साग सब्जी नहीं है तो हम कहाँ से ये सब कर लेंगे। अरे बदौलत आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी कुर्सी पर बैठे हैं, आज जो जनता के साथ नहीं देंगे तो फिर जनता क्यों वोट दे, घर में बैठ के रहो तो घर में बैठ के रहेंगे ना, दिहाड़ी करने दोगे तो दिहाड़ी ना करें तो घर में भूखे मरे बच्चे बच्चे लेके, राशन कनक एक पिछले महीने दिया था, इस महीने गए तो कह रहे कनक नहीं है, कनक मुक्त किया बाद में लेके जाना, बाद में अब बाद में जब गए तो कह रहे हैं कि कनक पीछे के नहीं जानते, हमारे पास राशन पानी कुछ भी नहीं पहुँच रहा है, कनक कनक से क्या फाका मारे के घर पे रहोगे, घर पे टक्कर मारे क्या घर पे है, सारा कुछ चाहिए, बच्चे सभी भूखे मर रहे हैं, 58 नंबर वार्ड से कणक तो मिल रही है, कहते कणक मिलती है उसको कुछ नहीं मिलता, कणक से क्या करेंगे हम, फका मारेंगे क्या कणक का, एक कणक में आप कुछ नहीं खाते क्या,
कणक कणक के से फाका मार लेते हैं, पेट भर जाता है, सब कुछ चाहिए। जो तथा चना की सरकारी खरीद आरंभ करने की मांग को लेकर आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने कृषि उपज मंडी समिति सचिव को ज्ञापन सौंपा। सरसों व चने की सरकारी खरीद आरंभ किए जाने की मांग को लेकर माकपा कार्यकर्ताओं ने आज जंक्शन स्थित कृषि उपज मंडी समिति सचिव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि किसान लगभग एक महीने से जौ तथा चने की सरकारी खरीद की मांग कर रहे हैं, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद आरम्भ कर दी है, मगर जौ तथा चने की खरीद अभी तक आरम्भ नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि गेहूं से पहले जौ पककर तैयार हो जाता है तथा उसकी फसल बाजार में आ जाती है, मगर किसान सरकारी खरीद के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार द्वारा की जा रही गेहूं की सरकारी खरीद में भी किसानों से धोखा किया जा रहा है, किसानों को जिनसों का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक आध दिन में जो तथा चने की सरकारी खरीद आरम्भ नहीं की गई, तो माकपा आंदोलन करेगी। जो चना और सरसों की खरीद का सवाल को लेकर 27 तारीख को हमने यहाँ आके सरसों और चने की बात की, गेहूं की खरीद का और गेहूं की खरीद तो शुरू हो गई, लेकिन सरसों और चना की खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई, जो कि सरसों गेहूं चने की फसल पहले तैयार होती है और पहले काटी जाती है, जो जिसको आज से करीबन 20 दिन पहले शुरू करना था खरीद का। नेफेड का जो इंचार्ज है बिरजलाल जी जंगू, उनसे वार्ता हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल हम सरसों और चने की खरीद शुरू करेंगे और सरसों और चने की खरीद कल शुरू करेंगे। उसके साथ साथ ये भी कहा, हमने पूछा कि जो गौण मंडी जो गांव में खरीद केंद्र शुरू करने थे वो भी अभी तक नहीं किए, उसमें भी टाल मटोल कर रहे हैं यहाँ का प्रशासन और किसानों के साथ बड़ा खिलवाड़ और किसानों को लूटा जा रहा है। और सरसों और चने की फसल में बड़ी लूट है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है, ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूप रेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को, इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने संक्रमण फैलने से पहले ही लगातार प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रतिदिन लाखों जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भोजन वितरित किया जा रहा है। आश्रय स्थलों में रहने वाले बेघर लोगों को भी 100 रुपए तक का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई व डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समुचित व्यवस्था की गई है। सभी सफाई कर्मचारियों, जमादारों और स्वास्थ्य निरीक्षकों को सैनिटाइजर, साबुन और दस्ताने खरीदने के लिए 1,000 रुपए की नकद राशि दी गई है। प्रदेश के श्रमिक, वेंडर्स और जरूरतमंद परिवार जो किसी योजना में पंजीकृत नहीं है, उनको सरकार ने 1,000 रुपए की सहायता दी है। अब इन्हें 1,500 रुपए की और अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। गली मोहल्लों में, सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर उन्हें विसंक्रमित किया गया है। किराना और दवा की दुकानों को लॉकडाउन में छूट दी गई है। साथ ही ग्राहकों के बीच 1 मीटर की दूरी रहे, इसके लिए 1-1 मीटर पर सर्कल बनवाए गए हैं। सभी निकायों में आवारा पशुओं के लिए चारे व भोजन की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा संतोष है कि स्वायत्त शासन विभाग का हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर अधिकारी पूरी निजाम से इस कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में उतरा हुआ है और वो निश्चित तौर पर जो है इसके अच्छे परिणाम देखने को आगे जाकर मिलेंगे। इन व्यवस्थाओं में आप भी सहयोग दें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें,
बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, खांसते और छींकते समय रुमाल लगाएं। आइए हम मिलकर कोरोना को हराएं। ब्रेक के बाद स्वागत है, आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। एक दूसरे के इलाके में बधाइयां मांगने के मामले को लेकर किन्नर समाज के कुछ लोगों में विवाद उत्पन्न हो गया है। किन्नर नेहा महंत ने इस संदर्भ में एक ज्ञापन पुलिस अधिकारियों को सौंपा। इलाके के बंटवारे को लेकर किन्नर समाज के कुछ लोगों में विवाद उत्पन्न हो गया है। किन्नर समाज की वार्ड नंबर 53 की रहने वाली नेहा महंत ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कुछ लोगों से अपनी जान का खतरा बताया। किन्नर नेहा महंत ने पुलिस को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि उनके गुरुओं ने यहाँ के किन्नर समाज को अलग अलग एरिया बांट कर दिया था, मगर किन्नर नगीना बाई तथा उसके साथ कुछ लोग उन नियमों का उल्लंघन करते हुए उनके एरिया में बधाइयां मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने एरिया की दुहाई देते हुए इधर बधाइयां नहीं मांगने की गुजारिश की तो नगीना बाई तथा उनके शिष्यों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। दूसरी ओर पूर्व पार्षद तथा किन्नर समाज की मुखिया नगीना बाई ने इन आरोपों को झुठलाते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से निराधार है। जी मैं नगीना से परेशान आ रही हूँ, हमारे गुरुओं ने हमारे को बंटवारा करके दिया हुआ है गांवों का, जो भी हम गुरुओं के गांव मांगते हैं अलग अलग। ये नगीना मेरे को राजनीति का रूप दिखा के कभी मेरे को मारने की धमकी देती है, जबरदस्ती मेरा इलाका छीन रही है। अच्छे भले लड़कों को कपड़े पहना पहना के लड़कियों वाले मेरा इलाका मंगवा रहा है, पर मैं कहती हूँ तो मारने की धमकी देता है मेरे। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। आज मैं एसपी से मिली हूँ सर, उन्होंने कहा एक बार आप थाने जाओ, थाने के बाद जो हल होगा देखा जाएगा, नहीं दोबारा आप मेरे से मिलना। काम काफी गांव है मेरे पास, जो बुन्ना वाली डानी जैसे हम गांव मांगते हैं उसके क्षेत्र की डानियां और आसपास का कोई भी कस्बा है हम पंचायती तौर से मांग रहे हैं। मेरी पंचायती तौर में बुन्ना वाली डानी की डानी है, उसकी डानियां है जो मैं मांगती हूँ, हर बार मैं ही मांगती हूँ। और जबरदस्ती वो लड़कों को सूट पहना के भेज देता है, गुंडों को दस्ती भेजता है और जबरदस्ती वो डानियां मांग रहे हैं। पहला बात तो ये है कि ये नया है, कौन है, कौन नहीं है, हमारे को पता नहीं है। ये तो आई है, अब हमने तभी देखी है और हमारे को हो गए यहाँ 30-35 साल रहते हुए। और पहली बात तो कि अब वो भी मंत है, मानते हैं अभी वो भी मंत है, सुरेशिया में रहती है। पहली बात तो सुरेशिया में वो भी मंत रहती है, उसके पास कागज ही नहीं है, इलाका के इलाका का कागज नहीं है। और ये मेरे पर आरोप लगा रही है भाई इस तरह करके, अरे हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं, तो हमारे पास तो कागज है, दादाजी ने कागज दिए, मेरे गुरु बैठी है छन्नो भाई, उन्होंने कागज दिए, कागज के अधिकार पर हम मांग रहे हैं इलाका। और कोई ऐसी बात नहीं है भाई, जबरदस्ती तो ये कर रहे हैं खुद, गुंडागर्दी तो ये खुद गुंडागर्दी कर रहे है। 3 दिनों की भूतनी सेवा आद, अरे पता नहीं कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। आज आरोप लगा रही है लड़कों को भेजते है, लड़कों को जाते है बाहर, सारे लड़के ही जाते हैं बाहर, ठीक है, पर तू मेरे को बता भी आ क्या चीज है, आ कहाँ से आई है, हमारे को तो पता ही नहीं है। हनुमानगढ़ में कई किन्नर रहते हैं हमारे समाज के, अच्छे है सब, समझदार है सब, बड़े अच्छे है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम मांग रहे खा रहे हैं हमारे इलाका में। मेरी तो बात अलग है कि मैं बाहर जाती नहीं, मैं राजनीति समाज सेवक हूँ, ये मैं जनता की सेवा करती हूँ, इनको वो बात पचती नहीं। क्योंकि मैं सोचती हूँ भी सारे जैसे मैं करती हूँ समाज सेवा वैसे ही करे, इनको लालच है, ये करते है गुंडा करती, ये कागज दिखाए, अगर इनके पास असली कागज हो तो मैं कहती हूँ अगर ये कहन के सारा इलाका छोड़े तो हम सारा इलाका छोड़ देंगे, अगर असली कागज हो तो। बिरादरी को ठुकराए हुए है ये, इन्होंने तो इनको बिरादरी ने ठुकरा दिया, पंच के अंदर कागज लेके गए थे, पंच ने इनको कागज झूठा मान लिया, इनका कागज फर्जी है, झूठा है, असली नहीं है। अगर जाता है तो हमारे हनुमानगढ़ में हमारे छन्नो माता जी बहुत पुरानी है, बुजुर्ग है, उनसे पूछ ले वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है। अगर हम गलत हैं तो हम कहते हैं हम छोड़ देंगे हमारा इलाका, पंचायत के तौर पर हमारा कोई इलाका नहीं होता, हमारे तो बंटवारा के हिसाब से इलाका मांगते हैं हम, बिल्कुल गलत है। नहीं कहाँ से आई है, कहाँ है, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, हमारे को तो पता ही नहीं है इसका। रमजान के पाक पवित्र महीने का आज पहला जुम्मा है। कोरोना संक्रमण के चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज अपने अपने घरों में ही नमाज अदा कर इलाके की खुशहाली की दुआएं मांगी।
आज शुक्रवार है और रमजान के पाक पवित्र महीने का पहला जुम्मा है। रमजान के पहले जुम्मे की अहमियत मुस्लिम धर्मावलंबियों में अत्यधिक ज्यादा है। रमजान के महीने में जुम्मे के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ जहां मस्जिदों में पहले देखी जाती थी, वहीं कोरोना संक्रमण के चलते आज रमजान के प्रथम जुम्मे की नमाज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में बैठकर ही अदा की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मौलाना अबुल फतेह कारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते शरीयत की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने हनुमानगढ़ शहर की तमाम मस्जिदों में रमजान के जुम्मे में मस्जिद में नमाज नहीं अदा करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मस्जिद खाली ना रहे, इसके लिए जुम्मे को मस्जिद के इमाम ही मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से रमजान के पाक पवित्र महीने में गरीबों की मदद करने तथा भूखों को भोजन करवाने तथा जकात निकालने की भी अपील की है। जैसा कि तमाम मुसलमानों को मालूम है कि आज जुमातुल मुबारक है, रमजान शरीफ का जुमा है और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से उसकी रहमत से जुमे के दिन तमाम मुसलमान कसीर तादाद में बिलखसूस रमजान के मुकद्दस महीने में मस्जिदों की तरफ आते हैं और जुमे की नमाज पढ़ते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो कोरोना की महामारी और इस बीमारी की वजह से भीड़ इकट्ठा करना उचित नहीं है, इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, मेरी अपील है कि नमाज ज़ुहर अपने घरों में ही अदा करें और मस्जिदों में सिर्फ इमाम रहेगा, अजान भी होगी, खुतबा भी होगा और दो या तीन आदमी उसके पीछे जुमे की नमाज अदा कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये शहर भारत गंगा जमनी की तहजीब का शहर है और मोहब्बत का फल जो है वो बहुत मीठा होता है, लिहाजा हमें अपने देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हम सब का फर्ज है और इस्लाम भी हमें तालीम यही देता है। और जो गरीब हैं उनकी आप मदद करो, रमजान शरीफ में ज़कात निकालो और फितरा निकालो तो देखो तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा ना सोए। इस बीमारी के मौके पर बहुत से घरों में अनाज नहीं पहुंच रहा है, अगर आपका फ़र्ज बनता है आप सुबह शाम इफ्तारी के वक्त में सहरी के वक्त में ख़ास तौर से ऐसे लोगों का एहतमाम करें जो गरीब लोग हैं। नमाज शरीफ जो आप पर जुमा फ़र्ज है और जुमे फ़र्ज की बजाय अब आप जोहर की नमाज जुमे की बजाय अपने घरों में अदा करेंगे और जितने भी जुमे आए रमजान शरीफ के ये महामारी ख़त्म होने से पहले जो भी आए और तमाम जुमे की नमाज की बजाय जोहर की नमाज अपने घरों में पढ़ें और बिला वजह इधर उधर सड़कों पे ना घूमें, घरों के आगे चौपड़ियों पे न बैठें बल्कि अपने घरों में रहें। इसी में सबके लिए भलाई है और ये बीमारी से निजात का बेहतरीन तरीका भी है। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आत्मविश्वासी लबालब रहिए। नमस्कार।